अरबर टुडे को मेरी ओर से और मेरे संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाए हैं कोरोना वायरस को लेके, लोगों को जागरूकता बढ़ा रही हैं, लोगों के बीच जो भ्रम फैला हुआ है उसको दूर कर रहे हैं, इसके लिए मेरी और मेरे पूरे टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भारत 30 करोड़ लोगों पर कर्फ्यू लगाया है। दुश्मन की बात भी एक्सप्रिशिएट करनी चाहिए। मोदी ने कहा अगर हमने 21 दिन एहतियात न की तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे, और बिल्कुल ठीक कहा। वो जानता है, वो चाय बेचता वो ऊपर आया। जो हम रोना जिस बात को कह रहे हैं ना, रोना इसी बात का है कि इस वक्त हेलम अफेयर पे वो लोग बैठे हैं जिनको मिजाज का ही नहीं पता। इंडिया को हम बहुत बुरा कहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया, जो फुटेजेस वहां से आई हैं, उन्होंने लॉकडाउन करके हर चीज को कंट्रोल करके, उन्होंने देखें कितना अरब, 1.25 अरब की आबादी है उनकी, उन्होंने 500-600 से ऊपर केस नहीं बढ़ने दिए। उन्होंने मसाजिद के अंदर जो कुछ किया काबिले मजम्मत, लेकिन काबिले तारीफ भी है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा जी कि 5 से ज्यादा नमाजी नहीं होंगे, तो 5 से ज्यादा नहीं होंगे अंदर, आप लोग 50-50 बंदे अंदर क्यों जा रहे हैं। भारत में कर्फ्यू लगा तो उन्होंने यह एहतमाम किया कि दिन के एक या दो घंटों के दौरान वहां पे ट्रक आ जाते हैं चीजों के भरे हुए, और लोग अपने घरों के अंदर से या वहां से बाहर निकल के वो चीजें खरीद लेते हैं और यूं वो बाजार नहीं जाते। और ये हर एक दिन छोड़ के हर अगले दिन हो रहा है। इस वक्त उन्होंने 1.25 अरब लोगों को घरों के अंदर बंद किया है। हमारे यहां कोई ऐसी प्लानिंग ही नहीं है सर। देखिए रजी साहब, हम जितना मर्जी उन्हें बुरा भला कहें, वहाँ बाहर एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जरूर मौजूद है जो कि अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल है। एक एक जुमला भैया, आपने हम तो खैर दुश्मन है उसके, और उस वजीर आजम हिंदुस्तान की आपने बॉडी लैंग्वेज और उसका वो डायलेक्ट और उसका वो तरीकाकार देखा था जिसमें उसने लॉकडाउन किया है, या मौसूफ खुद ही क्लियर नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, उनको इल्म ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। भारत में लोग सड़कें बंद और लोग उसी तरह से अपनी बालकनीज में खड़े थे, और बालकनी में खड़े होकर एक गाने गा रहा था, कोई शेर सुना रहा था। पूरे भारत के अंदर जो है वो लॉकडाउन था। ये उनकी सड़कें हैं, ये उनका उनका बीच है ये, और उन्होंने पूरी दुनिया ने मतलब उन्होंने एक तरह से आगाज कर दिया है उस एक्सरसाइज का पूरे इंडिया में, जहां पर उनकी हुकूमत है मोदी की वहां पर भी, जहां पर उनकी हुकूमत नहीं है बीजेपी की।